हैदराबाद से, जहां मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। एहसन इकबाल का कहना है कि ये हुकूमत 3 साल मुकम्मल होने के बाद एक ऐसा जश्न मना रही है जो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 3 साल में अवाम खुशहाल हुए हैं। वज़ीर इत्तला'आत फरमाते हैं कि जितनी महंगाई हुई है इसकी नस्बत 3 सालों में लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है। ये वो बयानात हैं जिनका घर घर मजाक उड़ाया जा रहा है। हर वो शख्स जो बाज़ार से अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी के लिए जाता है वो हर रोज़ हुकूमत को बददुआएं देता है, क्योंकि जितनी महंगाई पिछले 3 सालों में हुई है इसकी मिसाल नहीं मिलती। 3 सालों की महंगाई से 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गईं। आज मैं वज़ीर आज़म को चैलेंज करता हूं कि वो बग़ैर सिक्योरिटी किसी बाज़ार में जाकर दिखाएं कि पाकिस्तानी आवाम के बारे में और हुकूमत के बारे में क्या जज्बात हैं।